नमस्ते, स्वागत है आप सबका अपना चैनल के लिए बहुत प्रेमित। वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक करिएगा, चैनल पर नए नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज पवन सिंह का एक पोस्टर आया हुआ है जिस गाने का नाम है गोदी में लेके। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा, हर एक जगह पे वायरल है। हमारे चैनल पे भी उसका मतलब सबसे पहले मैंने ही बनाया था क्योंकि मेरे पास आ गया था सबसे पहले, तो मैं बना दिया। और जब बनाया तो उसके बाद से मुझे मैसेज मत पूछो, कमेंट्स बॉक्स में भी मैंने खोल के अभी देखा तो वही चीज़ कि पवन सिंह ट्रेंडिंग वाले चैनल से क्यों गाना नहीं लाते। पवन सिंह को इतना गाना अभी नहीं लाना चाहिए। देखो यार, अब इस पर क्या हम बताएं। जब पवन सिंह गाना नहीं लाते थे तो फैंस को दिक्कत था, जब ला रहे हैं तो दिक्कत है। आ रहा है तो ठीक है, आपके पास टाइम है तो आप सुनिए, नहीं है तो नहीं सुनिए, डजेंट मैटर। लेकिन ये तो खुशी की बात है कि पवन सिंह गाना लगा रहे हैं, लगातार ला रहे हैं, यही सब तो हम लोग चाहते थे और अभी कर रहे हैं, फिर भी दिक्कत। हाँ, सबसे बड़ा सवाल कि ट्रेंडिंग चैनल से क्यों नहीं लाते हैं, एक बात बताइए आप हमको। भोजपुरी इंडस्ट्री में मैक्सिमम मुझे लगता है कि 6 से 7 चैनल हैं जो कि ट्रेंडिंग में जाता है। बेब, सारेगामा, VYRL, भोजपुरी और 3-4 चैनल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है। एक पवन सिंह ऑफिशियल है और फिर एक दो और होंगे। तो क्या मतलब स्टार जो है, कोई भी स्टार हो खास तौर पे, या पवन सिंह के बारे में ही बात कर लिया जाए, क्या वो सिर्फ 4 गाना लाएंगे तो चल जाएगा काम? मतलब यही कंपनी को अगर गाना देंगे तो बाकी कंपनी कहाँ जाएंगे, किससे गाना लेंगे? और पवन सिंह 100% हिट मशीन बन चुके हैं। 100% अगर कोई हिट दे रहा है भोजपुरी में तो पवन सिंह है। तो समझो कि पवन सिंह का गाना सबको ही लेने के लिए व्याकुल है, हर एक लोग जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। तो क्या पवन सिंह कहेंगे कि एक काम करो, पहले तुम अपना चैनल को ट्रेंडिंग करवाओ, उसके बाद हम तुमको गाना देंगे? ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है। और अगर आप लोग मेहनत करिएगा तो जो चैनल ट्रेंडिंग नहीं कर रहा है वो भी ट्रेंडिंग करेगा। ऐसा नहीं है कि जो ट्रेंडिंग अभी तक नहीं किया है वो नहीं करेगा। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मनोज दे का इतना मतलब पुराना चैनल था, कब से बनाता था, एक यूट्यूबर है, लेकिन अभी तक उसका कोई ट्रेंडिंग नहीं किया था। तो क्या वो ट्रेंडिंग चैनल नहीं था? ऐसा थोड़ी होता है। अभी हाल फिलहाल में शादी का वीडियो उस पर डाला, ट्रेंडिंग किया, तो अच्छा व्यू ड्यूरेशन रहेगा, अच्छा सब कुछ जाएगा, लाइक रहेगा, अच्छा कमेंट रहेगा, तो ट्रेंडिंग जाएगा। ट्रेंडिंग ले जाना फैंस का काम है कि अब वो कितने देर सुनते हैं, कितना अच्छा सुनते हैं, किस तरीके से प्रमोशन किया जाता है गाने को, उस प्रकार से होता है। हिंदी के सारे चैनल ट्रेंडिंग करते हैं क्यों? भोजपुरी के सारे नहीं करते हैं, कुछ चैनल वाले की भी गलती होता है। लेकिन अब कहिएगा कि सिर्फ पवन सिंह ट्रेंडिंग से ही लाए, तो ऐसा थोड़ी होगा यार। बाकी कंपनियां कहां जाएगी, वो किससे गाना खरीदेगी, ये भी तो सोचना है। और जो हिट देगा उसी का तो गाना लेगा लोग। और आज के डेट में 100% पवन सिंह पे भरोसा है कंपनियों को, बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं इससे मतलब नहीं है। तो बस ऐसा अपने दिमाग में मत भरिए कि ट्रेंडिंग से आएगा। तो धनी वो सब धन कौन सा ट्रेंडिंग चैनल से आया था? 0 सब्सक्राइबर था, कोई ट्रेंडिंग नहीं किया। आज उसका रिस्पॉन्स देखिए, 2023 का सबसे बड़ा गाना है अभी तक का। तो ऐसा मत यहाँ बैठा लीजिएगा ना कि ट्रेंडिंग वाला ट्रेंडिंग वाला ट्रेंडिंग वाला, तो फिर अच्छा गाना भी बुरा लगने लगेगा और बुरा गाना भी ट्रेंडिंग सेक्शन ट्रेंडिंग में जो रहेगा वो अच्छा लगने लगा। फील करो, जो अच्छा है उसे सुनिए, जो नहीं है इग्नोर मारिए, डजेंट मैटर। मिलते अगले वीडियो में।